तो सर, आप सब लोग बिलीव नहीं करने वाले आज मेरे साथ क्या हो चुका है मेरे पूरे फैमिली वालों को इस खतरनाक से हर ने उस आइलैंड पर बंदी बना लिया है मुझे बचा, मुझे बचा। मुझों की कसम तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला हा 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 तो कहे मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने फैमिली वालों को बचाना पड़ेगा वो हल्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आ गया मैं सबको बचाने मेरे फैमिली वालों को छोड़ दे हल्क हा 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 एक और शार्क आ गई इसको भी मैं पकड़ लूंगा नहीं तुम मुझे नहीं पकड़ सकते और मेरे फैमिली वालों को भी छोड़ दो हाँ बेटा भाग जाओ भाग जाओ अरे आप सब ये क्या बोल रहे हो मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा मुझे आप सबको बचाना पड़ेगा आप मेरी फैमिली हो मुझो की कसम रोना आ गया हा 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 अबे चूजे चल निकल यहाँ से वरना तुझे भी पकड़ के तेल में फ्राई कर दूंगा तू मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है मैं तुझे दस सेकंड का टाइम देता हूँ यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा हा 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 मैं इस समुन्दर का नया राजा हूं, राजा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला मैं अपनी फैमिली वालों को बचा कर रहूंगा तुम इससे नहीं लड़ सकते ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर बस इतनी सी मच रुक जाओ अभी जाकर मैं भी एक पावरफुल शार्क कर आता हूँ फिर मैं इस हाई के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा अरे कैसे मैंने उस को बोल तो दिया मैं अपग्रेड हो जाऊंगा पर मैं अपग्रेड कैसे हूँ जल्दी ऐसी जल्दी मुझे अपनी फैमिली को बचाना है सुना है तुम अपग्रेड होना चाहते हो मैं अपग्रेड होना चाहता हूँ इस चिकन को खाने से ये तो एक मैजिक चिकन लग रहा है मैं दे दो अगर तुम्हें ये मैजिक चिकन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें इस पूरी की पूरी नदी को पार करना पड़ेगा बिना डूबे क्या बिना डूबे इस नदी को पार करना पड़ेगा ये तो बहुत ही मुश्किल है अरे का शार्कूँ पर मुझे पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है इसलिए तो मैं बोट में घूमता हूँ अपग्रेड तो मुझे होना है तो

जाओ, रुक जाओ, मैं बस पहुंचने वाला हूं। मुझे वहां पर मुर्गी भी मिल चुकी है खाने के लिए जल्दी जल्दी ये मैजिक मुर्गी खा लेते हैं और खाई ये क्या वो मैजिक मुर्गी खाने के बाद मैं तो अपग्रेड हो चुका एक बढ़िया सी शार्क में पहले मैं एक मोटा सा शार्क पर यहाँ पर मैं थोड़ा मस्कुलर बन चुका हूँ और मेरे एब्स भी आ चुके हैं चलो जल्दी चल कर अपनी फैमिली वालों को बचा लेते हैं आ रहा हूँ मैं हल क्या मैं आ गया अरे ये क्या मैं तो गिर गया मुझे की कसम तू तो, तो एकदम जोकर जो है जोकर ये जोकर आज तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं चुका हूँ एक खतरनाक से शार्क में और मैं साइकोनेज़ होने वाला ये ले ये क्या आ, हा 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 और अगर गुदगुदी मत कर बच्चे अरे ये क्या मैंने इसको इतनी तेज मारा पर इसको तो कुछ नहीं हुआ मैंने बोला था ये बहुत बच्चे मैंने तो ये देख लिया तुम अपनी फैमिली वालों को बचाना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा मैं तुम्हें टोटल 18 मिनट देता हूँ 18 मिनट्स इसमें तुम जितना चाहे अपग्रेड हो सकते हो फिर हम दोनों लड़ेंगे और जो भी जीतेगा वो इस समुन्दर का राजा कहलाएगा और तुम अपनी फैमिली वालों को भी बचा लोगे क्या सही में पर अठारह मिनट क्यों बीस मिनट क्यों नहीं क्यूँकी अट्ठारह मेरा लकी नंबर है चल बच्चे निकल यहाँ आप अपग्रेड हो करा। जब तक इसके फैमिली वालों को मैं देखता हूँ मुझे <laughs> बचा

फैमिली से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना तो गाइस सर मुझे पता चला है यहाँ पर एक अंकल है जो कि वो स्पेशल मुर्गी बेच रहे हैं जिसको खाने से 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 मैं अपग्रेड हो सकता हूं, तो जल्दी अभी हम पर आ चुके हैं फटाफट इनसे मुर्गी लेते हैं अंकल अंकल मुझे वो स्पेशल मुर्गी चाहिए जल्दी जल्दी दे दो ताकि मैं अपग्रेड हो सकूँ अरे भैया आप थोड़ा सा लेट हो गए मेरे पास टोटल तीन स्पेशल मुर्गी थी वो अभी अभी उन साइंटिस्ट लोगों ने खरीद ली देखो वो जा रहे हैं बाय बाय क्या उन्होंने ले ली रुक जाओ रुक जाओ अरे मुझे मुर्गी चाहिए प्लीज प्लीज एक मुर्गी दे दो हेलो रुको अरे ये क्या ये लोग तो चले गए अरे कैसर ये क्या मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया अंकल मुझे बताओ वो कौन साइंटिस्ट थे मुझे वो मुर्गी चाहिए अरे तुमको मुर्गी क्यों चाहिए यहाँ पर मेरे पास घोड़ा है बंदर है सुअर है इनमें से कुछ ले लो ये भी बहुत खास है अरे अंकल मुझे आपका घोड़ा बंदर सुअर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए जल्दी बताओ वो कौन लोग थे अरे वो साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट अरे वो मुझे पता है पर कहा से आए थे आ, वो तो मुझे नहीं पता पर उनकी वैन के पीछे ह्यूमन लैब लिखा हुआ था

माइने की जवान अबे यहाँ पर क्या चल रहा है टिकटॉक बना रहा है ये ले। तो सर, अभी एक सिक्योरिटी गार्ड को तो मैंने यहाँ पर मार दिया है और हम लैब्स के अंदर फाइनली घुस चुके हैं अब जल्दी से ढूंढते को कहाँ पर मिलेगी मुर्गिया अरे कहे सर मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कहा पर है वो मुर्गी क्या करूँ एक सेकेंड सामने मुझे गार्ड जरूर देख चुका है गार्ड यहाँ पर खड़ा है मतलब वो साइंटिस्ट भी आस पास ही होंगे तो मुझे जाकर इस गार्ड को

और दो दो तुम्हारी ऐसी ऐसी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और एक सेकेंड यहाँ पर चल अरे डॉक्टर शर्मा मुझे लगता है बाकी की दो मुर्गियों के साथ हमने गलत एक्सपेरिमेंट कर दिया इसलिए वो मर गयी पर आप हाँ टेंशन मत लो हमारे पास एक मुर्गी और बची है हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट में जरूर सक्सेसफुल होंगे रुक जाओ तुम मेरी मुर्गी को नहीं मार सकते अरे डॉक्टर ये कौन है मैं वो मुर्गियों को बचाने वाला रक्षक और तुम जैसो को खत्म करने वाला तुमने दो दो मुर्गी मार दी शर्म नहीं आती अगर तुम उनको नहीं मारते तो मैं दुनिया का सबसे खतरनाक शार्क बन सकता था पर अब क्या कर सकते हैं इन्होंने दो मुर्गियों को तो ऑलरेडी मार दिया अब सिर्फ एक ही मुर्गी बची है बेचारे कितनी ज्यादा डर चुकी है तुम टेंशन मत लो मैं तुमको खाने वाला हूँ चलो इसको बढ़ाओपट से खा लेते हैं

ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं उनको खाकर अपग्रेड हो सकू एक खतरनाक सी में और अपनी मुर्गिया मुर्गी कमेंट करने से मुझे बहुत सारी मुर्गियाँ मिलने वाली है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना और हम चलते अगले चैलेंज पर बच्चे मुझे पता चला है तुम अपग्रेड होना चाहते हो एक खतरनाक से शार्क में उसके ले चाहिए तुम्हे मुर्गी हाँ मुझे मुर्गी चाहिए गाय मुर्गी बच्चे वो मुर्गी है उस घर के छत के ऊपर इस मुर्गी को तुमने खा लिया तो तुम अब अपग्रेड हो जाओगे पर अगर तुम्हें वो मुर्गी चाहिए तो तुम्हें इस खतरनाक से चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पर है दस दस शार्क ये सारी की सारी शार्क इस पूरे के पूरे घर के अंदर जाकर छुपने वाली है और तुम्हे सारी की सारी शार्क को ढूंढना पड़ेगा अरे इसका मतलब एंड सीख खेलना है हाँ हर एंड सीख खेलना है पर तुम्हें दस मिनट के अंदर सारे के सारे शार्क को ढूंढना पड़ेगा दस की दस शार्क को क्या सिर्फ दस मिनट में ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है बच्चे मुश्किल है तभी तो तुम्हें मुर्गी मिलेगी अब तुम जाकर पचास तक गिनती गिन कराओ और फिर ये गेट खुल जाएगा और सारी की सारे शार्क छुप जाएगी अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ और पचास तक गिनती गिन कराता हूँ तो भाई सर इस चैलेंज को जीतने के लिए हमें दस की दस शार को ढूंढना पड़ेगा सिर्फ दस मिनट के अंदर तो भी अपन यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और गिनते गिनते पचास तक एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ जल्दी जल्दी सब के सब छुप जाओ

मुझे तो यहाँ पर अपनी सबसे पहली शार्क मिल चुकी है दस में से एक तो मिल गई ये ले तो गयी दस में से एक शार्क मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया पर अभी भी नौ शार्क और ढूंढना बाकी है जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं और ढूंढते पर, है पर है क्या यहाँ पर छुपने की जगह तो बहुत सारी है तो मुझे सब का सब ढंग से चेक करना पड़ेगा कहाँ परेशान मुझे शार्क ढूंढनी है शार्क शार्क अरे कायजर मुझे तो कुछ दिख ही ना एक सेकेंड ये स्विमिंग पूल के अंदर क्या है अरे काइजर ये तो शार्क की पूछ लग रही है रुक जाओ देखते हैं और गाइस सर मुझे यहाँ पर एक और शार्क मिल चुके हैं चलो आप डिस्कालीफाई हो चुके हैं फटाफट से तो सर मैंने यहाँ पर दूसरी शार्क को भी ढूंढ लिया है इसको भी फटाफट से मार देते हैं तो तो सर मैंने पर दो ऑलरेडी तो ढूंढ लिया सिर्फ आठ शार्क को और ढूंढना बाकी है पहले मैं सारा का सारा बाहर का एरिया सर्च करने वाला ताकि फिर बार बार बाहर रहना पड़े यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं देना मुझे लगता है बाकी की सारी की सारी शार्क घर के अंदर है तो फटाफट से घर के अंदर घुस जाते

मिल गई कहा छुप रही थी पहले जिम से तो बच गई पर से कैसे बचेगी ये ले और हमने पर एक और शार्क को पकड़ लिया है टोटल तीन शार्क यहाँ पर हो चुकी है अब सेवन सात शार्कों को और ढूंढना है चलो फटाफट से निकल जाते ये घर सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो हर एक कोना छानना पड़ेगा कहा पर हो तुम मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला

तीन शार्क और ढूंढना बाकी है चलो जल्दी जल्दी चेक करते हैं यहाँ पर पूल टेबल भी है जो की बहुत ही बढ़िया लग रही है यहाँ पर जितने रूम जल्दी जल्दी मुझे चेक करने पड़ेंगे एक तो इस घर में इतने ज्यादा रूम है सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे ओ, ये तो बाथरूम है चलो चलो फटाफट से चलते शार्क कहा तुम तो सर अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुके और यहाँ पर भी सारे के सारे रूम चेक करने पड़ेंगे कितने बड़े बड़े बाथरूम बना रखे पर पर अच्छा जगह एक और शार्क मुझे यहाँ पर मिल चुकी है शार्क, सात शार्कों को ढूंढ लिया सिर्फ दो को ढूंढना बाकी है जल्दी जल्दी करते मेरे पास टाइम बहुत ही कम है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है फेस करने के लिए पर एक और रूम है क्या नहीं यहाँ पर तो सोफे वाला रूम है जल्दी 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 और ये क्या मुझे ढूंढना ये, ये तो पड़ेगा कहाँ पर है वो मैंने पूरा घर तो छान मारा कहाँ पर है मुझे तो समझ दे रहा मुझे जल्दी से जल्दी वो मुर्गी खानी है उसके लिए उस शार्क को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है कहाँ पर कहां पर है कहां पर बच्चे आखिरी सेकंड बचे जल्दी ढूंढो अरे काइजर मेरे पास तो सिर्फ सेकंड बचे कैसे ढूंढो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहा मिलेगी कहाँ मिलेगी मुझे उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा उस मुर्गी के लिए पर पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कहा सेकंड वो क्या चीज है ये क्या ये शार्क तो इधर ही है ये पेड़ों के बीचों बीच दबी हुई थी इसलिए मुझे नहीं दिखी क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पेड़ ऐसे कुछ दिखाई भी नहीं देना पर कायजर आखिरी शार्क हमें यहाँ पर मिल चुकी है बच्चे पांच सेकंड और पांच चार अबे तेरी ऐसी की तेजी बाहर निकल और गाइस और यहाँ पर आखिरी शार को भी हमने ढूंढ लिया इसी के साथ दस की दस शार हमने ढूंढ ली बच्चे बहुत बढ़िया तुमने सारी की सारी शार ढूंढ ली जल्दी से मुझे वो मुर्गी दे दो बच्चे रुक जाओ मुर्गी आ रही है ये क्या ये मुर्गी तो हमारे पास खुद ही चल कर आ गई है चलो फटाफट से इसको खा लेते हैं और हो जाते हैं आप एक दो तीन चार पाँच छह सात 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 मुंडी वाली शार्क कितनी खतरनाक और कैसर अभी जाने वाले इस ट्रेन से लड़ने, ट्रेन वाले रुक अब ये ट्रेन तो मैं रोक नहीं पाया मतलब अभी भी मैं ज्यादा खतरनाक नहीं बनाऊ में ट्रेन को तो नहीं रोक सकता उस हल को क्या रोकूंगा रुक जा नहीं रुक रही मुझे लगता है अभी मुझे और भी अपग्रेड होने की जरूरत है तो हल्क से लड़ पाऊंगा तो फटाफट से चलते हैं और भी अपग्रेड होते हैं ताकि हम उस हल्क को हरा के अपनी फैमिली को बचा सके तुम लोगों का स्वागत है मुर्गी कंपटीशन में इस चैलेंज में जो भी जीतने वाला है उसको मिलने वाली है ये मुर्गी किस को चाहिए किसको चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए और मुझे चाहिए अरे मैं यहाँ पर घूमने आऊँ मुझे चाहिए मिलेगी मिलेगी जो ये चैलेंज जीतेगा उसी को मुर्गी मिलेगी इस चैलेंज में तुम्हें अपनी गाड़ी चूज करनी है और लेकर जाना है इस खतरनाक से रैंप पर यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स और धीरे धीरे करके सारे ब्लॉक्स में गैप पड़ते जाएंगे तुम्हें अपनी गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर जो की बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पूरे के पूरे दुनिया में सिर्फ एक परसेंट लोग ऐसा कर सकते है तो देखते है तुम तीनों में से कौन है वो एक परसेंट जो किस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूँ हट जाओ सब के सब इस मुर्गी को तो मैं ही खाऊंगा इसलिए मैं यहाँ की सबसे फास्टेस्ट कार यूज करने वाला हूँ मैं ही जीतूंगा अरे ये क्या इसने तो यहाँ की सबसे फास्टेस्ट कार ले ली अब तो इसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके और ये क्या ये तो फुल स्पीड में निकल भी चुका है और अब मुझे बचाओ ये क्या हो और ये क्या अरे इसकी गाड़ी तो यहाँ पर रुक भी चुकी है रुक जाओ अभी मैं नहीं हुआ अभी मैं लगाऊंगा ये और क्या फिर से ये तो उड़ने लग गया पर इसकी गाड़ी की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है ये क्या हो गया और जो हमारा बुलवरीन था वो पहुंचा लेवन तक लेवन ऐसी कुछ काम नहीं होगा तुम्हें पहुंचना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव तक जो की फिनिशिंग लाइन ये बुलवरीन तुम तो बहुत ही कमजोर निकला मैं हूँ बैटमैन और मैं ये आलतू फालतू गाड़िया यूज नहीं करने वाला मैं भी खुद की गाड़ी बुलाता हूँ आई एम बैटमैन तो कहे सर अभी आप देख सकते हो बैटमैन ने खुद की गाड़ी यहाँ पर मंगवा दी है और ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है हा, 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 ये गाड़ी बहुत खतरनाक है और जाओ मैं ये चैलेंज जीत कर रहूंगा अरे ये क्या, ये क्या क्या बैटमैन भी पर उछल गया नहीं 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 ये कैसे हो सकता है मुझे बचाओ ओ ये तो सीधा लावा के अंदर गिर चुका है बैटमैन पहुंचा था सेवन तक और वो वहां से गिर गया बच्चे बैटमैन भी गिर चुका है अब तुम आखिरी बचे हो फुलवेन तक और बैटमैन एटीन तक देखते हैं तुम कहां पहुंचते हो क्या ये मुर्गी तुम्हें मिलेगी इस मुर्गी को तो मैं ही लेकर रहूंगा उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये लेमोसिन क्योंकि गाइजर मैं एक स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूँ इस लिमोसिन के टायर बहुत ही ज्यादा लंबे है मतलब ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा लंबी है ये हमारी मदद करने वाली है बड़े बड़े जम करने में तो गाइजर लंबी गाड़ी तो हमें मिल चुकी है पर अभी भी हमें आपकी गुड लक

और ये क्या बढ़िया लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है तो आप देख फिनिशिंग पर हम लोग पहुंच चुके मेरी गाड़ी, सीधी रही। कोई बात नहीं। गाड़ी से निकल जाते के साथ बहुत बढ़िया शार तुम ये चैलेंज जीत चुके हो इसलिए ये मुर्गी हुई तुम्हारी और काजर ये मुर्गी हमें मिल चुकी है प्यारी प्यारी मुर्गी मैं तुझे खाने वाला हूँ और मैं बचू यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क वो पांच पांच मुंडी वाली ये शार्क सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये उस हल्क से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मैं उस हल्क के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला जिसने मेरी पूरी फैमिली वालों को पकड़ा और वो लॉस सेंटोस के समुन्द्रों पर राज करना चाहता था पर अब मैं आ चुका उसको खत्म करने मोचो की कसम मैंने नहीं सोचा था तुम इतने खतरनाक हो जाओगे हा हा, हार मान ले हल्क मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हा, 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 मैंने ये कब बोला हार मानूंगा तुम जितने भी खतरनाक हो जाओ मेरे से खतरनाक नहीं हो सकते हा, 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 ये 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 ले, ले। अबे ये तो चीटिंग है बिना बोले क्यों मार रहा है मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला तो इस हल्क को लगता है की ये मुझे मार सकता है पर इसको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो रहा है मुझे बचाओ कहा फेंक डाला मुझो के कसम आज मैं तुझे नहीं छोड़ और इस पूरे के पूरे लॉस सेंटोस के के पर राज करूंगा लड़के। तेरी इस हल को, को नहीं छोड़ने छोड़ने वाले ये ले। मैं तुझे नहीं वाला। तुझे वाला। मारने के बाद तेरी पूरी फैमिली को मैं ऐसे कैसे मारेगा? सर, ये मेरी पूरी फैमिली को करना चाहता है और इसके ऊपर उठाकर फेंकूंगा हो गया तू मेरा कुछ नहीं कर सकता ऐसे कैसे नहीं कर सकता मैं तुझे पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा चल निकल यहां से इसको आज नहीं छोड़ेंगे ये ले। आ, 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 मुझे कुछ नहीं हुआ रुक जाओ इसके ऊपर ट्रेन मारनी पड़ेगी फटाफट से ये ट्रेन यहाँ से उठाएंगे फटाफट से इसको से फेंकते अब हम इस ट्रेन को उठाकर इसके ऊपर फेंकने वाले ये ले। मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर तुझे बहुत कुछ होने वाला है लड़के और एक कैसे जितना मैंने सोचा

तो काइजर इसी के साथ हल्की कहानी होती है यहाँ पर खत्म कैसे घासों में जाकर लेट गए अब बोल रहा है क्या हो गया पहले तो मुझे कब से परेशान करे था? इसकी हालत हमने पर खराब कर दी है इसका मतलब हमारी फैमिली हमने यहाँ पर बचा ली है ये हल चाहता था, था पूरे, पूरे के पूरे लॉस सेंटोस के समुद्र पर राज करना पर हमने इसकी चटी खोल के हालत खराब कर दी है और पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को बचा लिया है और काइजर अब तुम दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क बन चुका मतलब मैं भी लॉस के पर राज कर सकता हूं तो कैसे आपको तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना नहीं से, कर पता नहीं कमेंट करके बता दो और कैसा इंस्टाम करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए।